26 मई वर्ष 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हासिल किया। ओलंपिक खेलों में हॉकी का खेल पहली बार वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम खेलों का स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला मेडल था। इस टीम के कमान संभाली थी कप्तान जयपाल सिंह ने और मशहूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र भी इस टीम का हिस्सा थे। जीत के साथ ही भारत का खेल पर एक अभूतपूर्व वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 26 मई वर्ष 1912 में छगन राज चौपासनी का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। वे राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धानमंडी में छगन राज चौपासनी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे वे घायल हो गए। इसके लिए उन्हें 2 महीने की जेल की सजा भी दी गई। 26 मई वर्ष 1999 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C2 ने इन 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इसरो ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRSP-4, कोरिया गणराज्य के कीटसेट 3 और जर्मनी के DLR टबसेट 3 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक प्रमोचन कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को छुआ। PSLV-C2 ने अपनी उड़ान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी।